बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, ये धारा 377 क्या खत्म हुआ सर? लड़के भी मेरा वीडियो बनाने लग गए हैं। रख दो, मेरे में देखने लायक कुछ नहीं है। अभी भी कई लोग मेरा फोटो खींचने में व्यस्त हैं। देखिए, मैंने तो पैदा होते ही पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा, लव मैरिज ही करना, शक्ल दिखा के तो वैसे भी नहीं होनी। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में कभी सिसकियां अच्छी, अभी मत बजाओ, जब बजाने की बारी आएगी मैं बता दूंगा। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। अच्छा, पूरे सभागार में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिनको चाय मिली है। सर, आप मोदी जी के सपोर्टर हैं क्या? फिर तो पकौड़े भी मिलने चाहिए थे। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। दो धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान हो यौवन का महीना, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना, कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना। आज ही सुप्रीम कोर्ट का सर एक जजमेंट आया है आरक्षण को लेकर के, आरक्षण को लेकर के कि हमारी नौकरियों में कितना आरक्षण हो कितना नहीं हो, इस तरह का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखिए, यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है, संविधान का है, हमारी सरकारों का है, हमारी मांग का, डिमांड का है। लेकिन जिस समय मैं कॉलेज में, मैं पहले फर्स्ट ईयर में गया, मैं घुसा, तो मुझे लगा कि यार सब जगह तो रिजर्वेशन ठीक है, हो ना हो अलग विषय है, लेकिन आशिकी में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था, कुछ ऐसा हो आशिकी में। हालांकि आजकल बुजुर्गों को सारी बात एक बार में समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी दो बार में तो हाँ, वो तो आदर्श बने हुए हैं आजकल। एनडी तिवारी और दिग्विजय सिंह तो बस ऐसे ही कुछ नहीं किया उन्होंने, वो तो बैठे हुए चुपचाप बेचारे। मैं चार चार लाइनें ऐसी आपको सुनाता हूँ, आरक्षण की अपनी हो सकती है। मैं सोचता था कि यार आशिकी में भी आरक्षण हो, तो अब ये आशिकी में आरक्षण मैं ला तो सकता नहीं था, या पता नहीं कभी प्रधानमंत्री बना तो सोच सकता हूँ, नहीं आपकी शुभकामनाएं रही तो सोच भी सकता हूँ, सोचने में क्या है। लेकिन फिर मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की तो मैंने चार पांच मुक्तक छंद आशिकी में रिजर्वेशन कैसा हो ये मैंने लिखा। आप लोगों को मजा आएगा, एक एक लाइनों पे आप आनंद लीजिए। अब आप लोग चाहें तो साथ में तालियां बजा सकते हैं जब मैं शुरू करूंगा इसको, ठीक है सर? अभी भी कुछ काम है सर, बस 5 मिनट सर, ऐसा बोल बोल के मैं 15 मिनट सुना दूंगा। जब आया ही हूँ तो इन बच्चों को आदत है ना 45 मिनट के क्लास की, आधे घंटे में क्यों छोड़ना, आदत खराब हो जाएगी, वैसे भी नहीं पढ़ेंगे फिर। तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हारे साथ बैठे
जब तक सारे मिलकर ताली नहीं बजाओगे मैं यही लाइन गाता रहूंगा। तुम्हारे साथ बैठे मैम आप तो रहने ही दो, आप तो ताली ऐसे बजा रही हो सिर्फ तवे पर आखिरी रोटी रखने। मैं ताली बजाने की एक टेक्निक समझा देता हूँ। जितने भी यहाँ पर शादीशुदा लोग हैं, जितने भी यहाँ पर शादीशुदा महिलाएं हैं, वो अपना बायां हाथ उठाएं। इसमें भाई साहब की तस्वीर देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, तुम्हारे साथ बैठे पुरुष भी निराश ना हो, वो अपना दायां हाथ उठाए। इसमें भाभी जी की तस्वीर बिल्कुल मत देख लेना, नहीं तो सुबह सुबह जो दो रोटियां मिल रही है वो मिलनी बंद हो जाएगी। इसमें देखिए उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी, तुम्हारे साथ बैठे सर, तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखे दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखे दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए, हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी बने दिल भर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए, ना हमसे बात करती हो ना खुल के मुस्कुराती हो। अभी आयो ना, तालियां बजानी है साथ में। नहीं मुझे वरदान है जो मेरी कविताओं पर अभी ताली नहीं बजाता उसे बाद में चौराहे पर बजानी पड़ती है। तो सच बता रहा हूं, मोदी जी का देश है, कमाल का देश है। 8 नवंबर की रात आप सबको याद होगी भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सर इतना सुनना ही था कि पति आ नाम का आदमी बड़ा खुश। पतियों को आज भी लगता है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। लेकिन दुबे सर इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो नरेंद्र मोदी हैं, 1000 रुपए का लेकर के 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा कराने जाओ, 80 साल की पकड़ा दे। ना हमसे बात करती हो ना खुल के मुस्कुराती हो, ना हमसे बात करती हो ना खुल के मुस्कुराती हो, भागे है ऐसा क्या जुबा से कह न पाती हो, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिल भर, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिल भर, बताओ आज कल क्या तुम कोई गुटका चबाती हो, आज कल क्या तुम कोई गुटका चबाती हो, बताओ आज कल क्या तुम वो जिनके मुस्कुराने से, जिनके मुस्कुराने से वो, जिनके मुस्कुराने से वो, जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, वो जिनके मुस्कुराने से हमेशा कत्ल ही होता, पुलिस ऐसी हसीनाओं
पे चढ़ दे फिर कोई पोटा हो नंबर एक आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का हो नंबर एक आशिक जो भी अपने स्कूल कॉलेज का हमारी मांग है उनके लिए भी फिक्स हो कोटा हमारी मांग है। और सर ये कोटे का कैटेगराइजेशन क्या होना चाहिए? कविता का मैं आत्मा सुना रहा हूँ, कैटेगराइजेशन क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो। पिछली बार मैं IIT कानपुर में सुना रहा था, ये मंचले भड़क उठे, बोले आबादी 80%, रिजर्वेशन 2%। रिजर्वेशन मिले तो पीछे बैठी हुई एक लड़की वीडियो बना रही है मेरा, आप जूम कर लोगे तो हमारी नजदीकियां बढ़ जाएगी। रिजर्वेशन मिले तो मंचलों का 2% हो जो शर्मीला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो जो शर्मीला हो आशिक उसके हिस्से 9% हो वो लड़की जो हर एक लड़के से पट जाए आसानी से वो लड़की जो हर एक लड़के से पट जाए आसानी से रिजर्वेशन हर एक कॉलेज में उसका 100% सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ सभी ताली बजाइए सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पर लास्ट करता हूँ विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटर कास्ट करता हूँ। देखिए इसमें कितना छुपा हुआ मैसेज है, इंटर कास्ट मोहब्बत होने लग जाए मतलब इंटर कास्ट शादियां होंगी, आरक्षण का मामला खत्म। क्या कभी आसानी से चीजों को निपटा देता है? बेटियों को वो सम्मान नहीं मिल पाता, आखिर क्यों कोर्ट को आगे आना पड़ता है, आखिर क्यों समाज के सोशल प्रेशर ग्रुप को आने आगे पड़ता है, जबकि बेटे हों या बेटी दोनों ही एक ही ईश्वर की संतानें हैं, दोनों ही एक ही तरह से पलते हैं पढ़ते हैं बड़े होते हैं। मैं एक छोटी सी 2 लाइन की कविता से अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, वो चाहते थे मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं होती।